चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में जिगर नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था और हर समय सोचता रहता था कि मैं पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि दूसरे गांव में एक महात्मा रहते हैं जो सभी की समस्या सुनते हैं। अगले दिन जिगर उस महात्मा से मिलने के लिए निकल गया। वह पहुंचकर जिगर ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी जिगर ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, बालक, आपके मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है? तब जिगर ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं। जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, बालक, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता था परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक आश्रम पर पहुंच गया और वहां जाकर गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपा करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूँ। तभी वह गुरुदेव कहते हैं, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी का किसी ने नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? वह कुत्ता गुरुदेव से कहता है, इस पर मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तभी वह कहते हैं, बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूंगा, मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी आपबीती बताता हूँ। कुत्ता मुनिवर से कहता है, हे मुनिवर, दुनिया के लोगों हम पर रहम करो, हमारा कोई घर नहीं होता है, कोई आसरा नहीं होता है, कमाकर खाना हमें नहीं आता है, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता, ये हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं तीन कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसीलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे। आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बैंड बाजे बजाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछाना पर थे वह पता नहीं क्या था कि सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपक कर एक कोने के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, इसमें 2 भाई लाल और 2 भाई भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था, सबसे छोटा मैं ही था, इसीलिए कमज़ोर था मेरी माँ। हम लोगों के पास कम ही आती थी क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि हमारी माँ न खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती? उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था तो कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5ों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था।
भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर सीना छपाती करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। वह कहता है, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने पांचों बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पिघलता था। तो बेबस होकर उन लोगों के घरों में मैं चोरी से घा घुसना पड़ता था और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देख लेते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते, और कुछ निर्दय लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता महात्मा से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। उसे ठंड के कारण हमारे तीन भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ दो भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। सेठ जी के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोगों ने धूतकार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता है। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ, भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। दो तीन आदमी लाठी लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। मेरी माँ वहां से घबरा कर भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको हाथ गई और उस लोगों ने मेरी माँ को बहुत बुरे तरीके से पीटकर मेरी माँ का बुरा हाल कर दिया। कुत्ता आगे कहता है कि हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुटिया के लग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया है। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुटिया के लग जाने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पतलू में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लंकर ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुटिया लगकर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है, लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हें की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेती ही थी, उतने में वह सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहां से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है, पर उसे निर्दय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। माँ का वह शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, सेठ जी, जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। फिर बड़ी मुश्किल हालात में वह हमारे पास आई। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पिटा है, बेकार है ऐसे लोग।
जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते वह कुत्ता कहता है। हे मुनिवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक व्यक्ति आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंथ कर रख दिया। वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उसे आटे को खाने लगी। उधर उस व्यक्ति ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुत्तियां खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी दो दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे देवता, इस कुत्तिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने ने सेठ जी की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी। व्यक्ति दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था ये दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खा जाएगी। वो व्यक्ति भी लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उसे आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा कि उसे पर इतनी मार खानी पड़ी कि मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हें मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, पर हम उसके कितने काम आते हैं यह नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते ही है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बने उसे विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि देव का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी को दृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बने काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया खाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अक्सर बूढ़े बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने जिगर को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदे का फल प्राप्त होता है। कुत्ते को रोटी खिलाना न केवल हमारे धर्म और परंपरा का हिस्सा है, बल्कि यह हमारे अंदर करुणा और दया के भाव को भी बढ़ाता है। जब हम किसी प्राणी की भूख मिटाते हैं तो हम अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करते हैं। इस छोटे से कार्य के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुविधा को आमंत्रित करते हैं। इसीलिए हम सभी मिलकर इस काम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं
और अपने जीवन को सुख में और आनंद में बनाएं।